भैया लूटो, भर भर के लूटो, बुर्गिया में ठूस ठूस के लूटो। किसी को नाम चाहिए, किसी को जमीन चाहिए, किसी को मंदिर चाहिए, किसी को बकायदा पब्लिसिटी चाहिए। दरअसल मामला उत्तर प्रदेश की बाराबंकी जिले से लेकर के भैया अयोध्या तक का बहुत लंबी लकीर नहीं है, बहुत पास का मामला है। कहते सुनिएगा, सुबह शाम आरती होती थी, यहाँ बकायदा प्रसाद बढ़ता था, चांदी की छतरी भी लगने लगी थी, अच्छा खासा दान भी मिल रहा था। पर भाकर मौर्य की जिंदगी मस्त हो गई थी। इधर में चाचा शिकायत कर देता कि हाय रे भैया, सरकारी जमीन पर अकेले कैसे भागीदारी लोगे, हमको हिस्सा दो, हमको हिस्सा नहीं दोगे तो शिकायत कर देंगे। अब चाचा ने शिकायत कर दी, पुलिस कार्रवाई करने में जुट गई और उसके बाद एक्शन लेती पुलिस, गया बाहर ताला लग गया, अंदर की प्रतिमा गायब हो गई। हमारा रामनाथ मौर्य नाम है। योगी मंदिर का बनने का विरोध हमारा यही है कि हमारे आजा ने आम के पेड़ लगाए थे, कोठ लगाए थे, उसको जो है ठेकेदार के हाथ बेच दीन, बेच के पूरा पैसा रख ली। क्या करेंगे, पूरा पैसा खुदा रख लेना, अगर तुमको दे देते तो चाचा भतीजा एक साथ मिल जाते, सरकारी जमीन पर कब्जा हो जाता, किसी को पता भी नहीं चलता। ये तो शुक्र मना भैया कि सारा मामला खुल गया, चाचा ने शिकायत कर दी भतीजे की, पूरी पोल पट्टी खुल गई कि सरकारी जमीन पर योगी बाबा के मंदिर का निर्माण हो गया। अब ऐसा भैया देख लो, प्रशासन कार्रवाई करता, पीएससी तैनात कर दी जाती, पर्दा लगा दिया था, मंदिर के बाहर ताला भी लटका हुआ। फिलहाल चाचा भतीजे की अनबन चली रही थी तो बाराबंकी जिले का आलतेश जाग उठा, कहा बाराबंकी का हमने नाम रोशन कर दिया। अब यही वो लड़का भी है जिसने बाराबंकी का नाम रोशन किया। योगी बाबा की भैया इतनी बढ़िया मूर्ति तैयार कर दी, कलयुग के राम जैसे खिलखिलाते हुए दांत दिख रहे थे, हाथों में तीर धनुष दिख रहा था, भगवा वस्त्र धारण किए हुए हमारे योगी बाबा चमचमाते हुए दिख रहे थे। अब ये मूर्ति तैयार करने वाला बाराबंकी का सुमित वर्मा, लेकिन इसका नाम ही नहीं आया। प्रभाकर मौर्य ने इसको धमकाया था, समझाया बुझाया था कि तुमको ले चलेंगे योगी बाबा के साथ, फोटो खिंचवा देंगे और चुपचाप रहो, तुमको मिलवा देंगे, जो मुनाफा लेना हमसे लेकर के धर के चुपचाप घर में बैठो। लेकिन बेचारा काम था, कुछ नहीं कह पाया, डर गया, सहम गया और पढ़ाने लगा कॉलेज में। अभी पढ़ाने काम करते भैया टीचर हैं, आर्ट के टीचर, बहुत बढ़िया भैया देख लो, चित्रकारी करते हैं और मूर्ति तैयार करते हैं। प्रभाकर मौर्य भैया गाना गाने लगे, क्या रे भैया ये तो बकायदा राजस्थान से बनवाए, स्पेशल बनवाए, अच्छे कारीगर से बनवाए, और बनाने वाला कोई और नहीं बाराबंकी का सुमित वर्मा था। एक से बढ़कर एक भैया घोटाले बाज निकले प्रभाकर मौर्य। अब जैसे अपराधियों का काम तमाम हुआ, परेशान मत हो, तुम्हारा भी काम तमाम होगा। सरकारी संपत्ति बटोरोगे योगी जी के नाम पर, झूठ मूठ की आरती उतारोगे, ढोंग पर पंच करोगे, छोड़े नहीं जाओगे, बख्शे नहीं जाओगे। बताइए जरा, पूरी बकायदा छवि धूमिल करने का प्रयास क्या गया? हम तो कहेंगे कि मुख्यमंत्री जी कार्रवाई कीजिए, ठोस से ठोस कार्रवाई कीजिए। पहले बकायदा मूर्ति बनवाएंगे, फिर मंदिर बनवाएंगे, फिर चाचा जागेगा, फिर मूर्तिकार जागेगा, दुनिया भर की पब्लिसिटी बटोरेंगे और मीडिया में चर्चा पाएंगे। देखो पूरा गूगल छाया पड़ा था। फिलहाल देखते हैं सूबे के मुख्यमंत्री क्या एक्शन लेते हैं, तो हाथ जोड़कर विनती करेंगे कि साहब एक्शन लीजिए, कार्रवाई कीजिए, छवि धूमिल करने का प्रयास किया गया। वीडियो को शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो, शेयर मत करो, जो कमेंट से मिलेगी दबा दो, मेरे को सब्सक्राइब दबा दो भैया।